अस्सलाम वालेकुम बच्चों, टेक आउट द रीडर्स, पेज नंबर 74। सबक नंबर 21 है, देखिए ये लेसन नंबर 21 है। या ये मारूफ ई, मतलब या और ई के वर्ड्स पढ़ी क्या अपन लोग। देखिए हेडिंग ये है, देखो बच्चों ये क्या है, तस्वीर हाथी की है। क्या है ये हाथी, तो इसके देखिए ये क्या है, हे अलिफ हा ते दो चश्मे वाला हे ई, क्या है ये हाथी, क्या है ये हाथी, ई है देखिए छोटा ई। ये क्या है तितली है, क्या है ये तितली, ते ते लाम ई, क्या है ये तितली, ते ते लाम ई तितली। ये क्या है घड़ी, ये क्या है घड़ी, गाफ दो चश्मे वाला हे रे ई, क्या है ये घड़ी, छोटी ई है देखिए, इसमें सब में छोटी ई। आज हम छोटी ई के अल्फाज पढ़ेंगे बच्चों। ये पे ई पी, ये पे पे के तीन नुक्ते हैं, ये छोटी ई है, क्या ये पी, पे पे ई पी। ये क्या है जीम ई जी, जीम ई जी, ये जीम का मुंडा है देखिए, ये जीम की है, ये जीम ई जी है। ये क्या है नून ई नी, नून छोटी ई, क्या है ये नून ई नी। दाल ये दाल ई दी है, दाल ई दी। ते ये ते का इतना हिस्सा ते का है और ई है, ये ते ए ती, ते ई ती है। ये खै, खै ई खी है, खै ई खी है, ये खै यहाँ तक खै का बुंडा है देखिए। ये फे है, फे का यहाँ तक है ई है, ये फे ई फी है। पे, पे है ये, पे ए पी है। ते दो चश्मे वाला है ई थी, ते है ई थी। सीन ये सीन ई सी है, सीन ई सी है। ये पूरे ई के ई वर्ड्स है, लेकिन इसमें हुर्फ अलग अलग आने से इसके आवाजें अलग अलग हो गए देखिए। जैसा कि पी जी नी दी ती खी फी पी थी सी, ऐसे इस तरीके से इसके आवाज अलग अलग पड़ा जाता, और इसके एक ही हरूफ है लेकिन उसके लेटर्स अलग अलग रहने से उसके आवाजें अलग अलग पड़ा जाता। बच्चों देखिए ये क्या है, नून अलिफ ना लाम ये ली, क्या होता है ये ना ली, क्या है ये नून अलिफ ना लाम ये ली, ना ली। मीम व मू लाम ये ली, मू ली। मीम व मो ते ये ती, मो थी। लाम अलिफ ला लाम ये ली, ला ली। डाल अलिफ डा लाम ये ली, क्या है ये डा ली। पे अलिफ पा नून ये नी, पा नी। खे अलिफ खा लाम ये ली, खा ली। लाम ये लड़ काफिये की, लड़ की। जीम अलिफ जा लाम ये ली, जा ली। हे अलिफ हा ते हे ई हा ती, ते ते लाम ई तितली। गाफ हे रे ई घड़ी। ये हार्ड वर्ड से आप लोग रीडिंग करेंगे अच्छी तरीके से। नाली मूली लाली डाली पानी खाली लड़की जाली हाथी तितली घड़ी, ये ई साउंड्स के वर्ड्स है। यहाँ तक आप लोग रीडिंग करेंगे अच्छी तरीके से। चंद अल्फाज में आप लोगों को नोटबुक के अंदर बताऊंगी। सबक नंबर 21 है, लेसन नंबर 21 है। या ये मतलब या इस तरीके से लिखा जाता है, ये है ये मारूफ ई, इसी के आवाज जो मिलती जुलती रहती ना उसको मारूफ की आवाज के बोलते हैं। जैसा ई के वर्ड्स अभी अपन पढ़े और अब लिखेंगे चंद अल्फाज यहाँ पर। जैसा कि नाली नून अलिफ ना लाम ये ली, नाली इस तरीके से लिखा जाता। मूली मीम व मू लाम ये ली, क्या है ये मूली। लाली लाम अलिफ ला लाम ये ली, ला ली। लाम अलिफ ला लाम ये ली, लाली। ये डाली दाल अलिफ डा दाल अलिफ डा लाम ये ली, क्या है ये डाली। आप लोग थ्री लाइन छोड़कर फिर लिखेंगे यहाँ पर। खै अलिफ खा लाम ये ली, खा ली। जीम अलिफ जा लाम ये ली, जा ली। हे अलिफ हा ते ये ती, क्या है ये हा ती। गाफ दो चश्मे वाला है रे ई घड़ी, क्या होता है ये घड़ी, क्या है ये घड़ी। मीम व मो ते ये ती, क्या है ये मो ती। मीम व मो ते ये ती, क्या है ये मो थी। तितली ते ते लाम इस तरीके से लेके इस तरीके से जाना, तितली, क्या है ये तितली, ते ते लाम ई तितली। बच्चों ये क्या है देखिए, नाली
मूली, लाली, दाली, खाली, जाली, हाथी, घड़ी, मोती, तितली। बच्चों राइट द वर्ड्स थ्री टाइम्स, ये थ्री टाइम्स लिखेंगे, हार्ड वर्ड्स रीडिंग करते हुए अच्छी तरीके से लिखेंगे और मेरे को पोस्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।